सुमन्ना का किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं खट्टी मीठी चटनी, जो कि आप किसी भी स्नैक के साथ आप खा सकते हो। दही बड़े के साथ, मंगोड़े के साथ, मतलब कोई से भी स्नैक हो तो आप उसके साथ खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हम अमचूर की मीठी चटनी बनाने के लिए हमने ये कुछ आम के टुकड़े लिए हैं, सूखे वाले, ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे। इसको हम अमचूर भी बोलते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा ये ले लिया है। अब हम इसको 3-4 बार हम अच्छे से धो के इसका सारा पानी निकाल के और भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। ये हमने इसको धो लिया है और हम अब इसमें पानी डाल देंगे और इसको 1 घंटे या आधा घंटे तक भीगने देंगे। और आप चाहो तो ऐसे भी आप इसको उबलने रख सकते हो, लेकिन हम इसको 1.5-1 घंटे के लिए भिगा देंगे। ये हमारी खटाई अच्छे से भीग गई है, देखिए अच्छे से भीग गई है। अब हम इसको 5-10 मिनट हम इसको उबलने के लिए दूसरे बर्तन में हम रख देते हैं। पानी हम और ऐड कर लेंगे कि ये अच्छे से उबल जाए। गैस ऑन कर लेते हैं। पाँच मिनट इसको उबाल लें, वैसे तो ये गल चुकी है पूरी तरह से। 5 मिनट इसको और उबाल लें, और आपको ज़्यादा उबालना तो आप ज़्यादा उबाल लें। फिर इसको ठंडा हो जाए तो इसका हम मिक्सर में पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारी खटाई, हमने इसको 5-10 मिनट तक हमने इसको उबाल लिया है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक ये हमारी खटाई ठंडी हो रही है तब तक हम आपको दिखा देते हैं और क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए हैं। ये हमने 1/2 चम्मच मिर्च का पाउडर लिया है और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें, कम या ज़्यादा। वैसे मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है। ये सौंठ ली है थोड़ी सी, इसको मतलब पीस लिया है दरदरा। और ये काला नमक है, पिसा हुआ आप ले लें, हम इसको पीस के डालेंगे अभी। और ये सौंफ है, इसको भी हम दरदरा थोड़ा सा मिक्सर में पीस लेंगे। और हमने ये गुड़ लिया है, और ये ऑप्शनल है, अगर आप इनको डालना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, और ये थोड़ी सी चिरौंजी ली है, और ये थोड़ी सी किशमिश, और 3-4 छुहारे आप ले लें और इनको मतलब बारीक बारीक काट लें। तो हम शुरू करते हैं, अब इसको पीस लेते हैं। हम इसको मिक्सर में निकाल लेंगे। और इसका बारीक पेस्ट हम तैयार कर ले रहे हैं, और इसी में हम ये सौंफ भी डाल देंगे। और ये काला नमक हमारे पास पिसा नहीं है तो इसमें ये पिस भी जाएगा, ये सौंफ, और ये हम इसमें ही डाल दे रहे हैं। और ये सौंठ है, थोड़ी मोटी पिसी है तो इसलिए हम इसको भी इसी में डाल दे रहे हैं। तो ये पेस्ट इसका अच्छे से पिस जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पेस्ट पिस गया है, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा और पीस लेंगे। पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। हम ये गुड़ तोड़ के ये सारा इसमें मिक्स कर देंगे कटोरी में। ये हम इसमें सारा गुड़ इसमें डाल देंगे और 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और कम लगे तो फिर हम बाद में भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन कर देते हैं और इसको रख देंगे। और हम इसको मिला देंगे अच्छे से। पानी थोड़ा हमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी हम और इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो 1 कप हम पहले डाल चुके थे पानी इसमें, और 1 कप पानी हमने और डाल दिया, मतलब 2 कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से उबाल लेंगे, और हम इसमें ये जो नमक लिया था हमने, सफ़ेद नमक, ये डाल देंगे। और ये
लाल मिर्च ली थी वो डाल दी है। अब इसको खोलने देंगे अच्छे से, उबाल आ जाए इसमें तब तक हम इसको थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ा, ये अच्छे से उबल जाए। जब तक हम इसमें ये ऐड कर देंगे, ये किशमिश और चिरौंजी हम ऐड कर देंगे इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ना भी डालें। और इसको गैस धीमी कर दें, थोड़ी धीमी आंच पे इसको पकने दें और चलाते रहें बीच बीच में। और हम इनको जब तक हम इनको बारीक बारीक काट ले रहे हैं और इनको भी दो दो पीसों में तोड़ लेंगे। इसको हम बारीक बारीक काट ले रहे हैं, इनको हम बारीक बारीक टुकड़ों में हम काट लेंगे, गुठलियाँ हटा देंगे, हम इनको इसमें डाल देंगे, ये छुआरे और ये काजू इसमें ऐड कर देंगे और इसको दो मिनट तक और पका लेंगे, दो मिनट तक इसको और पका लेंगे अच्छे से। अब ये हमारी चटनी मीठी वाली जो है अच्छे से पक गई है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी चटनी बनके तैयार हुई है, आप इसको बनाइए और ट्राई कीजिए और आप बताइए कि अब मुझे क्या बनाना है। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए